नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां दीदारगंज थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर या स्वैप कर आम लोगों के बैंक खाते से लाखों रुपए पलक झपलते ही गायब कर देता था। यह गिरोह की तरह काम करता था। इसमें 23 सदस्य हैं। फिलहाल गैंग के सरगना समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 12 एटीएम कार्ड, नकदी के साथ पिस्टल, कारतूस भी बरामद किया गया है। इस गैंग में आजमगढ़ और जौनपुर के जिले के शातिर हैं। इस गैंग का कार्य क्षेत्र आजमगढ़ के साथ कई जिलों में हो रहा था। इसका सरगना करीब 14 मुकदमों में पहले भी नामजद है और कई बार जेल जा चुका है। इसके अन्य सदस्य भी इसी प्रकार के क्रिमिनल हिस्ट्री वाले हैं। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि यह इंटर रेंज गैंग की तरह काम करते थे, इसलिए गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी दिया। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, इस तरह के बहुत से केसेस हमारे आए हैं जिसमें कार्ड की क्लोनिंग करके और कार्ड स्वैप करके लोगों के पैसे जो है धोखाधड़ी करके निकाल रहे थे क्रिमिनल्स। इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे। अभी पूरा हम लोगों ने गैंग आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें 5 ऐसे साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिनके पास से कार्ड की क्लोनिंग के डिवाइस और इस तरह के जो उन्होंने 12 कंप्लेंट हमारे यहाँ थे, 12 कंप्लेंट में उनसे सीधे कनेक्टिविटी बन रही थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है। पूरा ये गैंग 24 लोगों का गैंग है। ये जो गैंग लीडर है ये नवीन गौतम, ये 14 बार इसी तरह के अपराध में, कार्ड क्लोनिंग में, कार्ड की स्वैपिंग में, कार्ड से रिलेटेड जितने फ्रॉड है उसके ये मास्टर है। 14 बार जेल जा चुका है। अब मैंने ये किया है कि इनका अंतर इंटर रेंज गैंग रजिस्टर कराने के लिए संस्तुति कर दी है। ये गैंग के सदस्य मुख्यतः दीदारगंज और आजमगढ़ के और कुछ जौनपुर एरिया के हैं। तो इस तरह से ये इंटर रेंज गैंग रजिस्टर कराया जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए भी हमने आदेशित कर दिया। ये सारे लोगों का हिस्ट्री सीट खोला जा रहा है ताकि हमेशा इनको मॉनिटर किया जा सके। 24 लोगों का गैंग आज बनाया जा रहा है। ये साइबर क्रिमिनल का पहला गैंग जो है हमको लग रहा है कि इस जनपद में रजिस्टर किया जा रहा है। इनकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी, मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह के साइबर क्राइम की एक्टिविटीज पे साइबर क्रिमिनल्स पे लगाम लगेगा। देखिए, अभी पिछले 15-20 दिन में ही हम लोगों के पास करीब 12 कंप्लेंट आए थे जिसमें लोगों के कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए थे और पैसा निकल गया था। इस तरह से मेरे आने के बाद करीब 16 महीने में 50-60 लोग इसके विक्टिम हैं। काफ़ी लोग जेल जा चुके हैं। ये 24 लोग जो एक गैंग बना के काम कर रहे थे, अब इस पे हमारा इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। ये अंतर जनपदीय मुख्यतः ये गैंग जो है जौनपुर और आजमगढ़ एरिया के लड़के मिल के बनाए हैं। 24 लोगों का गैंग अभी रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल रही है कि करीब 15-20 और लड़के हैं, उसमें भी हमारा काम चल रहा है। अगर वो 15-20 लड़के आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी दिखती है कि इस गैंग से है, तो ये गैंग का विस्तारण और हम करेंगे। सर, जिस तरह 14 बार जेल गया तो कैसे इसके सिंडिकेट को तोड़ा जाएगा? ये लगातार इनकी मॉनिटरिंग होगी। चूंकि हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है तो हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो जाकर के इनको मॉनिटर करते रहेंगे। हिस्ट्री शीट जिसकी खोल दी जाती है उसको थाने पर बुला करके उनकी अटेंडेंस भी हम लोग लगवाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे रडार पे हमेशा आजीवन हमारे रडार पे रहेंगे। निश्चित रूप से इनकी इन इस तरह की गतिविधियों पे लगाम रहेगा। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।